हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम के सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको सॉलिड कंपैरिजन देखने को मिलेगा और साथ में मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो गाइस, जो भी आपके मन में डाउट्स है पेटीएम के सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट को लेकर, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी बकबक के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट टाइप होता है जो कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट, फिक्स डिपॉजिट जैसी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन करने की लिमिट होती है। एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लगता है। वहीं बात करें करंट अकाउंट की, तो इसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट जैसी सुविधा नहीं देखने को मिलती है और साथ में एफडी भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस से। अगर आपको सेविंग अकाउंट ओपन कराना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप करा सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, आई बटन पे मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, सेविंग अकाउंट ओपन कराना बिल्कुल फ्री है और इंस्टेंट ओपन भी हो जाता है। वहीं बात करें करंट अकाउंट की, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है इसकी वेबसाइट पे जाके। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेटीएम के एजेंट आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस किया जाएगा और फिर वेरिफिकेशन के बाद ही करंट अकाउंट ओपन होता है। और गाइस, करंट अकाउंट ओपन होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है मुकाबले सेविंग अकाउंट के। और दोस्तों, करंट अकाउंट भी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायर्ड होती है अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो सेविंग अकाउंट पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देखने को मिल जाता है और आपकी केवाईसी होती है, तभी आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है। वहीं बात करें करंट अकाउंट की, तो इसमें आपको सबसे पहले पर्पस सेलेक्ट करना होता है, उसके हिसाब से ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप बिजनेस पर्पस सेलेक्ट करेंगे तो जीएसटी सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड, एमएसएमई लगेगा। और अगर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे तो भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिट करने होंगे, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड एटसेट्रा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में थोड़ा सा ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं बैंकिंग फीचर से। तो सेविंग अकाउंट पे आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं और करंट अकाउंट में भी आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं। वहीं बात की जाए एंड ऑफ द डे बैलेंस की, तो आरबीआई की न्यू गाइडलाइन के अनुसार आप पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए तक का ही रख सकते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट। बात करें अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की, तो सेविंग में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं और साथ ही साथ पेटीएम के करंट अकाउंट में भी कोई भी चार्जेस नहीं देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन टाइप्स की, तो दोनों में आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इनके नियरेस्ट बैंकिंग पॉइंट पे जाके कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट भी करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन मोड की, तो सेविंग अकाउंट पे आपको IMPS, RTGS, UPI, NEFT का सपोर्ट मिल जाता है और ये बिल्कुल चार्ज फ्री होता है। वहीं बात करें करंट अकाउंट की, तो इसमें आपको IMPS, RTGS, NEFT का सपोर्ट मिल जाता है जो कि चार्ज फ्री होता है। हालांकि UPI का भी सपोर्ट मिल जाता है जो कि अभी डेमो मोड पे है, केवल आप ट्रांजेक्शन सेंड कर सकते हैं, उधर से पैसे आप रिसीव नहीं कर सकते हैं UPI ID पे। और जो करंट अकाउंट पे आपको UPI ID मिलती है, इसकी लिमिट 1 लाख रुपए से ज़्यादा की होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेबिट कार्ड टाइप की, तो दोनों में आपको वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। बात करें सेविंग अकाउंट में, तो आपको रुपए वीजा का कार्ड सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें करंट अकाउंट में, तो इसमें आपको केवल प्लेटिनम रुपए का ही सपोर्ट मिल जाता है, जिसे आप फिजिकल भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं DBT सपोर्ट की, तो सेविंग अकाउंट में ही केवल आपको DBT सपोर्ट मिलता है, मतलब गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उन्हें आप ले सकते हैं पेटीएम के सेविंग अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे आपको नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो केवल आपको सेविंग अकाउंट में ही 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी आपको नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंकिंग एक्सेस की, तो सेविंग अकाउंट के लिए पेटीएम का एप्लीकेशन अवेलेबल है, iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं।
वहीं बात की जाए करंट अकाउंट की तो इसके लिए केवल नेट बैंकिंग का पोर्टल अवेलेबल है। क्रोम ब्राउजर से आप लॉगिन कर सकते हैं और वहां से आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चेकबुक की, तो यह केवल आपको सेविंग अकाउंट पे ही देखने को मिलता है, करंट अकाउंट में नहीं मिलता है। दोस्तों बात करें डिजिटल पासबुक एंड स्टेटमेंट की, तो दोनों टाइप के जो अकाउंट होते हैं दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। आप पेटीएम ऐप के थ्रू सेविंग अकाउंट पे एक्सेस कर सकते हैं, वहीं नेट बैंकिंग पोर्टल पे करंट अकाउंट पे एक्सेस कर सकते हैं इनका डिजिटल पासबुक एंड स्टेटमेंट। दोस्तों अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की, तो दोनों में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप नियरेस्ट या फिर जो भी एटीएम पॉइंट है वहां पर जाकर कैश विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो सेविंग अकाउंट पे अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराएंगे तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो बैंक पार्टनर है इंडसइंड है। लेकिन करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, केवल इंडिविजुअल करंट अकाउंट पे ही इंटरेस्ट रेट मिलता है और 5.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जो बैंक पार्टनर है वो इंडसइंड है इसका भी। दोस्तों अब बात करते हैं रेट्स एंड चार्जेस के बारे में, तो गाइस पेटीएम के सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बीच में रेट्स एंड चार्जेस में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, बिल्कुल एक समान है। अगर आपको सेविंग अकाउंट पे SMS अलर्ट के चार्जेस लगते हैं, सेम चीज करंट अकाउंट में भी अप्लीकेबल होती है, इसमें भी सेम चार्जेस लगते हैं SMS अलर्ट के। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाते हैं सेविंग अकाउंट से तो इसमें आपको ₹250 देने पड़ते हैं, तो सेम चीज करंट अकाउंट में भी अप्लीकेबल होती है, इसमें भी आपको फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करने के ₹250 ही चार्जेस देने होते हैं। वर्चुअल कार्ड दोनों में फ्री है, आप यूज कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बात की जाए ट्रांजेक्शन लिमिट की डेबिट कार्ड की, तो पेटीएम के सेविंग अकाउंट पे 25,000 की लिमिट देखने को मिलती है, कैश विड्रॉल की सेम चीज करंट अकाउंट में भी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि पेटीएम पे क्या रेट्स एंड चार्जेस अप्लीकेबल होते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आई बटन पे मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लिमिट्स के बारे में, तो गाइस सेविंग अकाउंट में आपको लिमिट्स देखने को मिल जाती है, चाहे वो ट्रांजेक्शन की हो या फिर मनी ट्रांसफर की हो, कैश विड्रॉल की हो या फिर कैश डिपॉजिट की हो। लेकिन पेटीएम के करंट अकाउंट में आपको कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिलती है, आप इसके नेट बैंकिंग पोर्टल पे जाके अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बल्क में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए तो करंट अकाउंट बनाया गया है। लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द डे बैलेंस की जो लिमिट है वो 2,00,000 रुपए तक की ही है, मतलब आप अपने चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो 2,00,000 रुपए तक का ही रख सकते हैं एंड ऑफ द डे बैलेंस, उससे ज्यादा का भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन जो पैसा रहेगा वो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड डिपॉजिट पे कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पेटीएम का सेविंग अकाउंट है वो जो फिक्स्ड डिपॉजिट पे कन्वर्ट होगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, लेकिन करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, ये केवल इंडिविजुअल करंट अकाउंट पे ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जो भी FD होगी आप एनी टाइम ब्रेक कर सकते हैं, एनी टाइम उसे विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपके सेविंग अकाउंट पे 2,00,000 रुपए से कम होते हैं तो ऑटोमेटिक FD जो है टूट जाएगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से काम चल जाता है, ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हम सेम नंबर से पेटीएम का सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट रख सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, दोनों अलग अलग अकाउंट टाइप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पास ये है कि क्या हम पेटीएम के करंट अकाउंट को UPI एप्लीकेशन लाइक फोन पे हो गया, गूगल पे हो गए, इनसे लिंक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं कर सकते हैं, केवल आप पेटीएम के करंट अकाउंट को इसके नेट बैंकिंग पोर्टल पे ही लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पास ये है कि क्या माइनर भी अपना करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि KYC वेरिफिकेशन लगता है, इसके लिए एज 18 होना जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पास ये है कि दोनों के अकाउंट नंबर पे क्या डिफरेंस होता है, चाहे वो पेटीएम का करंट हो गया या फिर सेविंग हो गया? तो पेटीएम का जो सेविंग अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो स्टार्ट होता है 91 से, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। लेकिन करंट अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो स्टार्ट होता है 2N से, पहले 21 से स्टार्ट होता था लेकिन अब 61 से स्टार्ट होता है, कई केस में रैंडम भी रहता है, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। हालांकि IFSC कोड नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का एक जैसे होता है।
तो ये थे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिनका मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो अगर आपको नॉर्मल ट्रांजेक्शन करना है, UPI एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, जीरो बैलेंस रखना है, तो आप पेटीएम के सेविंग अकाउंट को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस मिल जाता है और आप कहीं भी जाके KYC करवा सकते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको बड़े पैमाने पे ट्रांजेक्शन करना है, आपको कोई बिजनेस है, ई कॉमर्स है, कुछ भी बिजनेस है छोटा मोटा, और आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन करना है, सैलरी ट्रांसफर करनी है, तो आप करंट अकाउंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिजिटल करंट अकाउंट मिल जाता है पेटीएम का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। NEFT जो भी आप ट्रांजेक्शन मोड करते हैं बिल्कुल फ्री है, और साथ में जीरो मेंटेनेंस लगता है, जीरो बैलेंस का अकाउंट भी है। तो अब आपको चूज करना है कि आपको किस टाइप का ट्रांजेक्शन करना है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें मेरी, तो मैंने सेविंग अकाउंट ओपन करवा के रखा है। हालांकि मेरे दोस्तों के पास करंट अकाउंट भी है, लेकिन उनके पास बिजनेस भी है, पर्पज भी है ट्रांजेक्शन करने का। आई होप दोस्तों मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तला बीस्ता।